अरे कहाँ मोदी जी, कहाँ अटल जी। मोदी जी सरी के सैकड़ों कार्यकर्ता अटल जी ने तैयार करके फेंक दिए। अटल जी आज होते तो मोदी जी उनके सामने तब खड़े होने की स्थिति में नहीं रहते थे। अटल जी पहले व्यक्तित्व थे जिन्होंने कहा था कि आडवाणी जी इसे राजधर्म सिखाओ। राजधर्म क्या होता है इसे सीखने की जरूरत है। मोदी जी तब से खुन्न थे, फिन्न थे, हैं। मोदी जी की राजनीति जो है वो शाह साहब की राजनीति है। शाह साहब की राजनीति जो है चुनाव की राजनीति है, कार्यकर्ताओं की फिक्र वाली राजनीति नहीं है। वो कार्यकर्ताओं की फिक्र करते थे, ये कार्यकर्ताओं की फिक्र नहीं करते। ये कहते हैं कांग्रेस से जितने भी आने आते हो उनको ला करके भर्ती कर लो। वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो वर्षों से उनका ध्वज को लेकर के खड़ा हुआ है उसके हक को मार करके कांग्रेसियों को टिकट देने का काम इस पार्टी ने किया है। अगर आज पंडित अटल बिहारी वाजपेयी होते तो वो कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करते। अगर वो होशो हवास में होते, यदि वो संपूर्ण संज्ञान में होते तो इनकी ये भी ताकत नहीं होती कि वे इस तरीके की राजनीति चला देते। 70 साल से ऊपर के लोगों को राजनीति से बाहर करने का जो उपक्रम शाह साहब ने भारतीय जनता पार्टी में बैठ करके प्रारंभ किया है वो तरीका कहीं से कहीं तक प्रजातांत्रिक नहीं है। अगर आप 60 साल के कार्यकर्ता को 70 साल के कार्यकर्ता को अपने उससे पृथक करते हैं तो 70 साल से ऊपर के लोगों का वोट पाने का अधिकार भी आप नहीं रखते हैं। तमाम प्रजातंत्र में सर्वे भवन्तु सुखिनः की भाषा थी और उस भाषा को समझने का उत्तरदायित्व तो अगर किसी के पास था तो दो व्यक्तित्व हुए और उसमें एक दीनदयाल जी हैं, दूसरे अटल बिहारी वाजपेयी हैं। मोदी जी व्यावसायिक वृत्ति के पुरुष हैं, उनके जो सलाहकार हैं, जो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रधानाचार्य हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो भी व्यावसायिक मनोवृत्ति के लोग हैं। उन्होंने अपनी मनोवृत्ति को हावी करने के लिए कार्यकर्ताओं की अवहेलना शुरू की है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहीं न कहीं अपने मन में इन आयातित कार्यकर्ताओं को लेकर के अपने आप को कुंठित महसूस करता है, अपने आप को असहाय महसूस करता है।